हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है व्हाइट सॉस पास्ता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है रुखसाना खान किचन्स में। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने ये लिया है 2.5 कप पेने रिग्रेते पास्ता। इसके लिए हमें व्हाइट सॉस बनाना पड़ेगा। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 2 टीस्पून मैदा, एक बड़ा कप हमने दूध ले लिया है, ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो पास्ता के अंदर कुछ सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है कॉर्न और कुछ कलरफुल बेल पेपर्स। आप इसमें चाहे तो ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं। पास्ता बनाने के लिए हमें और जो चीजें चाहिए वो है चीज, तो हमने ये प्रोसेस चीज के स्लाइसेस ले लिए हैं, और रेड चिल्ली फ्लेक्स एंड पिज्जा 1 टीस्पून हम इसमें ऑरेगानो डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर ले लिया है, और ये 1 टीस्पून हमने गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। इसको हम ऐड करेंगे हमारे व्हाइट सॉस के अंदर। पास्ता बनाने के लिए हमने एक पॉट में पानी ले लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। इस पानी को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। ये पानी हमारा बॉईल हो गया है, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। पास्ता बॉईल होने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेंगे, जब तक हम अपनी और सब्जियों को सॉटे कर लेते हैं और हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। ये पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है, इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे। ये हमने पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। अब हम इसमें सारी सब्जियां ऐड करके उनको सॉटे करेंगे। सॉटे करते वक्त हम उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। तो हमने सारी कलरफुल सब्जियां ले ली हैं, अब हम इनको 5 मिनट थोड़ा सॉटे करेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमने पास्ता में भी लिया है, हम चीज ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होगा, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से सॉल्ट की क्वांटिटी को लेना है। अब हम इस पर डालेंगे सॉल्ट और ब्लैक पेपर। दोनों चीजों को डाल के हम इसको थोड़ा सॉटे करेंगे। सब्जियां हमारी सॉटे हो गई हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। और अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। ये व्हाइट सॉस, व्हाइट सॉस के लिए हमने इसमें 50 ग्राम के करीब बटर डाला है, और ये हमने लिया है मैदा 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें मैदा लिया है। हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। हम ये व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, इसलिए हम मैदे को लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका ज्यादा कलर चेंज हमें नहीं करना है, क्योंकि हम ये व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। मैदा हमारा भुन गया है, अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध डाल के हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका सॉस थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो गया है, तो आप इसके अंदर दूध और डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद में ये थोड़ा और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी। ये हमारा सॉस रेडी हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा ऑरेगैनो। थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स। ये हमारा व्हाइट सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हम यहाँ साइड में थोड़ा सा गार्लिक को भून लेंगे। व्हाइट सॉस के अंदर गार्लिक की एक अलग ही खुशबू होती है। हम इसको भून के हम व्हाइट सॉस के अंदर ऐड करेंगे। हमारा गार्लिक भून गया था, हम इसको व्हाइट सॉस के अंदर ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून जो हमने सॉल्ट लिया था। हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद में हम इसमें कम से कम 4 या 5 प्रोसेस चीज स्लाइसेस ऐड करेंगे। हमने इसमें 4 स्लाइसेस प्रोसेस चीज के डाल लिए हैं। जब तक हमारा चीज मेल्ट होता है हम चेक करेंगे कि हमारा पास्ता डन है कि नहीं। ये पास्ता हमारा यहाँ पे बॉईल हो गया है। हम इस एक छन्नी में इसका पानी ये पूरा छान लेंगे। ये पास्ता बॉईल हो गया है। अब हम इस सॉस के अंदर ये सारी जो सॉर्टेड वेजिटेबल्स थी ये हम इसमें डालेंगे। इसको एक थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये बॉइल्ड पास्ता। अगर आपको लगता है कि आपका व्हाइट सॉस थोड़ा थिक हो गया है तो आप इसके अंदर हल्का सा दूध भी डाल सकते हैं। दूध डालने से इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। ये पास्ता हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।